तो पहला साढ़े सदे पत्र इतने पहुँचे मीडिया वाले का मैं वेलकम करदा अते थैंक्स करदा जो कि साड़ी गल मीडिया राही संगत तक पहुँचाते हैं। अज की प्रेस कॉन्फ्रेंस सिख जगत के नौवें गुरु धन धन श्री गुरु तेग बहादुर पातशाह जी का 400 साल पावन प्रकाश शताब्दी बड़े पद्धर से मनाने का उपराला किया गया, जिस दे विच वीर अजीत सिंह जी अते उन्हें परिवार के सदका यह उपराला किया गया। सारिया सिख जथेबंदियों नाल लैके अते सत्कारयोग शिरोमणि डेरा नगाली साहिब जी के मुखी महंत मनजीत सिंह जी की रहनुमाई हेठ अते देखरेख हेठ ये 400 साल पावन प्रकाश शताब्दी बड़े पद्धर से मनाई जा रही है, जो कि 3 अप्रैल 2022 दिन ऐतवार सवेरे 10 बजे तो लैके 3 बजे तक विशेष दीवान सजेगा डिग्याना आश्रम विखे। जिस संबंध में असी सारिया जथेबंदियों के पास पहुँचे हाँ, डिस्ट्रिक्ट कठुआ, डिस्ट्रिक्ट सांबा, आरएसपुरा, डिस्ट्रिक्ट उधमपुर, डिस्ट्रिक्ट रियासी, डिस्ट्रिक्ट रजौरी, जिन्हें भी पंथक जथेबंदियां उन्होंने साड़ा राबता होया है, असी सारिया नू विशेष तौर पर बेनती करते हैं कि हुम मा के इस समागम विच जो कि 3 तरीक सवेरे 10 बजे तो लैके 3 बजे तक दीवान सजेगा उस विच पहुँचने की कृपालता करनी। जिस समागम के विच पंथ दे प्रसिद्ध जथेबंदियां अते साडे प्रसिद्ध रागी जथे अते महान शख्सियतां विशेष तौर पर इत्थे पहुँच रही ने, जिस दे विच सत्कारयोग सिंह साहिब ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी, जथेदार श्री अकाल तख्त साहिब अते सरदार हरजिंदर सिंह जी, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान अते सत्कारयोग महंत मनजीत सिंह जी मुखी डेरा नगाली साहिब संगतां नूं एड्रेस करनगे। सचखंड श्री दरबार साहिब जी तो हजूरी रागी जत्था भाई साहब भाई कुलदीप सिंह जी अते भाई साहब भाई सरबजीत सिंह जी विशेष तौर पर इस समागम में पहुँच रहे हैं अते होर लोकल रागी जत्थे भी इस शमूलीयत करेंगे। फिर इस समागम दे विच जो कि साढ़े जीवन काल दे विच गुरु तेग बहादुर पातशाह जी का 400 साल पावन प्रकाश जो पिछले साल आया सी, असी सिख कौम बड़े पद्धर से नहीं मना सकी कोरोना वायरस के कारण, ये वीर अजीत सिंह जी के उपराले सदका सारिया सिख जथेबंदियों के सहयोग नाल, सिख संगतां के सहयोग नाल, सत्कारयोग महंत मनजीत सिंह जी की रहनुमाई 3 अप्रैल डिग्याना आश्रम विखे 10 बजे तो लैके 3 बजे तक दीवान सजनगे। उपरंत गुरु का लंगर अतुट वरतेगा। जिन्हां जथेबंदियों तक असी नहीं पहुँच सके उन्होंने भी मीडिया राही आगाह करते हैं, परिवारों समेत 3 अप्रैल उत्थे पहुँच के गुरु दी खुशियां प्राप्त करो अते अपना जीवन सफल करो। अते 2 तरीक डिग्याना आश्रम विखे दस्तारबंदी का मुकाबला किया जा रहा है, जो कि शाम 4 बजे शुरू होएगा, 6 बजे तक चलेगा। जिहड़े नौजवान दस्तारबंदी विच अव्वल आएंगे उन्होंने 3 तरीक इनाम दिते जाएंगे। फिर एक बार सरबत संगतां नूं पूरे जोर बेनती की जाती है कि हुम मा के समागम के पहुँचन, विशेष तौर पर मीडिया को भी मैं बेनती करता हाँ उस दिन भी उत्थे पहुँच के ये सारी कवरेज करके देशों विदेशों में बैठिया संगतां नूं तां कि वह इस सारे समागम का आनंद माण सकन। आप सारे का बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतह। अगर आप करना चाहते हैं आकर्षक शॉपिंग वो भी भारी डिस्काउंट के साथ, तो आइए गोल्ड मार्केट गांधीनगर, जहां लग चुका है लाइफस्टाइल ट्रेड फेयर। घबराएं नहीं, यहां कोविड नियमों का पूरा ख्याल रखा गया है, तो खुलकर कीजिए शॉपिंग, क्योंकि यहां है सहारनपुर का मशहूर फर्नीचर, फुटवेयर, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, जयपुरी चूरन, किड्स स्टॉल, हाउसहोल्ड आइटम्स, हर्बल प्रोडक्ट्स, किचनवेयर आइटम्स, क्रॉकरी, वॉचेस, रेडीमेड कर्टन, सूट एंड साड़ी, ओल्ड
और भी कई आकर्षक स्टंट। तो इंतजार किस बात का, आज ही परिवार और दोस्तों के साथ आएं और लाभ उठाएं इस सुनहरे मौके का। लाइफस्टाइल ट्रेड फेयर गोल्ड मार्केट गांधीनगर जम्मू, टाइमिंग सुबह 10 बजे से रात 9:30 बजे तक।